हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज जो है मैं टेंस का एक पूरा का पूरा चार्ट और उसके मास्टर रूल के साथ, ताकि आप सभी का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में टेंस से संबंधित क्लियर हो सके, एक वीडियो में मैं आप सभी को पूरा टेंस देने जा रहा हूं। आप इसे खूब ध्यान से देखें और पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको सारे टेंस का एक रूल दूंगा, मास्टर रूल, उसके बाद मैं पूरे टेंस में मुख्य चीजें क्या हैं उसका एक टेंस चार्ट दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपका टेंस आपकी मुट्ठी में होगा। आइए ध्यान से देखें, आपने जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है टेंस की, जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आपने उसमें देखा होगा कि प्रत्येक टेंस में मैंने ये फार्मूला दे रखा है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स लिखिए। प्रत्येक टेंस में आप देखेंगे तो प्रत्येक टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये चेंज होता चला गया है। यानी आप यहां इसको टेंस लिख लीजिए कि ये टेंस के अनुसार बदलेगा, ये दोनों ही। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता हो जाए किस टेंस में कौन सी लगती है तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप नेगेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे तो सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में 12 टेंस की सारे नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी उस टेंस की, फिर नॉट या नेवर जरूर होगा बीच में, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल में देखे होंगे तो उसमें जो यस या नो टाइप के क्वेश्चन है जो क्या से शुरू होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों में भी देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। हु वाले वाक्यों में पहले हु होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। इस तरह आपने देखा कि सारे टेंस में लगभग एक ही चीज है, बस बदल क्या रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है, अर्थात आप एक टेंस का चार्ट तैयार करें जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखें और ध्यान दें कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयोग की जाती है। और आप इन केवल 5 नियमों को यदि आप अपने पास रखेंगे तो ये नियम जो है पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर कर देंगे। सारे टेंस में इन्हीं नियमों को पालन करना होगा, इन्हीं का प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए आप सभी को अब जो है मैं टेंस के चार्ट की ओर लेकर चलता हूं। ये है टेंस चार्ट। टेंस चार्ट में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का चार्ट मैंने बना रखा है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझें। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस की हिंदी पहचान आपने अलग अलग वीडियोस में सब पढ़ा है, इसे मैं एक चार्ट के रूप में थोड़े में दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप देखें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हिंदी क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि जिनसे कार्य का अनिश्चित होना पाया जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हिंदी में होता है। और जब अंग्रेजी में आप ढूंढेंगे कि ये कौन सा टेंस है तो इसमें आपको दो नियम याद रखने होंगे। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगता, लेकिन मेन वर्ब जब लगेगा तो वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट लगता है। सेकेंड रूल ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू या डज के रूप में, डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है और डू या डज लगते ही ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तब एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को इतने में ही पूरा का पूरा टेंस क्लियर कर सकते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझ के।
इसमें आपको समझना ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। और अफर्मेटिव में जब सहायक क्रिया नहीं होती तो यहाँ वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, चिपका है, लेटा है, लटका है इत्यादि, जिनसे कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें सहायक क्रिया क्या होगी? इज, एम, आर। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, ऐसा आप जानते हैं। और मेन वर्ब जो होती है उसमें वर्ब फर्स्ट के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि, जिनसे कार्य का पूर्ण होना पाया जाए तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव आती है, हैव प्लूरल नंबर और हैव सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान पता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के साथ टाइम जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। इसी तरह जब आप इसका अंग्रेजी में इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हैज या हैव में से कोई एक, फिर बीन का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब फर्स्ट में आई एन जी, सिंस या फार के साथ टाइम, आप जानते हैं इसमें समय दिखाने के लिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। आइए इसी तरह हम इसी चार्ट में आप प्रेजेंट के बाद पास्ट को भी और फ्यूचर को भी देखेंगे। बस केवल जहां प्रेजेंट है उसे हम पास्ट करेंगे और उसके बाद आपका चार्ट फिर रेडी हो जाएगा। एक टेंस तैयार करेंगे, दूसरा टेंस आपके सामने रहेगा। ये हो गया है आपका पास्ट टेंस, यानी ये हो गया भूतकाल। अब आप इसे देखें, जहां प्रेजेंट है उसे पास्ट कर देंगे, पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होगा? जहां ता है वहां ता था, ती है तो ती थी, ते है तो ते थे, या इसी में आप जोड़ दीजिए या, ये, यी भी लगा रहता है, और कभी कभी इसमें या था, ई थी और ये थे भी लगा होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, और जिनसे कार्य का अनिश्चित होना पाया जाए। आइए अब अंग्रेजी की पहचान की ओर जाएंगे तो सेम कंडीशन यहां हैपनिंग होती है कि अफर्मेटिव में भी कोई सहायक क्रिया नहीं होती। यहां जो है जहां वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस था, यहां मेन वर्ब के रूप में वर्ब सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जहां डू या डज लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। और जब डिड लग जाता है तो ये वर्ब फर्स्ट हो जाता है, तब वर्ब सेकेंड नहीं रह जाता है। आप इसे ध्यान से समझते चले और करते चले। आइए अगला टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहां है वहां लगा दीजिए, था, थे, थी, रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, चिपका था, लेटा था, लटका था इत्यादि, जिनसे कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर के स्थान पर इज, एम, आर का ही सेकेंड फॉर्म वाज या वर प्रयोग किया जाता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रह जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे,
इत्यादि जिनसे कार्य का पूर्ण होना पाया जाए तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के स्थान पर हैज और हैव का सेकेंड फॉर्म, आप ध्यान दें जितनी सहायक क्रियाएं हैं उनकी सेकेंड फॉर्म, यहाँ डू था तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड, इज ए मार था तो सेकेंड फॉर्म वाज या वर, और यहाँ हैज और हैव था तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, और बाकी मेन वर्ब तो वही रह जाती है। आगे बढ़िए, आप आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी, केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है उसके साथ आप टाइम जोड़ दीजिए, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का सेकेंड फॉर्म बीन रह जाता है, केवल यहां हैड बढ़ जाता है, हैड के साथ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस सिंस या बार प्लस टाइम। इस तरह से आपने देखा कि पास्ट टेंस का भी चार्ट आपके सामने तैयार है। इसी तरह हम फ्यूचर टेंस को भी देखेंगे, जहां जहां पास्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। आगे बढ़िए, ये है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को देखेंगे तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यकाल। भविष्यकाल में सबसे पहले आएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में इन सबको हटा दीजिए, यहां केवल गागेगी हिंदी क्रियाओं के साथ गा गे गी लगा हो तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाता है, या जिनसे कार्य का अनिश्चित होना पाया जा रहा हो वहां पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव अलग अलग रूल नहीं बनता, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, और विल या शैल के साथ हमेशा, चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जहां रहा था है वहां हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठा होगा, खड़ा होगा, चिपका होगा, लेटा होगा, लटका होगा, इत्यादि जिनसे कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे कि यहां जो है विल या शैल हमेशा लगेगा, इसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी, ये बी कहां से आया इसके बारे में जानना चाहें आप तो ऐसे समझें जैसे आप कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट बी ही जो है बी से ही बना, इज एम आर वाज या वर कहां से आए, ये बी से ही बने थे, तो बी से बनने वाली क्रियाओं को प्रयोग कर दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट बी का ही प्रयोग कर दिया गया, ये बी है कंटिन्यूअस बनाने वाली क्रिया। इस प्रकार हो गया विल या शैल के साथ बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका था की जगह हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसे हटा दीजिए आप, इत्यादि जिनसे कार्य का पूर्ण होना पाया जाए उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। और जब इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे तो यहां लगता है विल या शैल प्लस हैव, विल या शैल के साथ हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट टेंस में लगता ही है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस में आईएनजी और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी और सिंस या पार, ये हमेशा लगता है। आइए अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना और भी आसान हुआ, क्योंकि यहां जहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के साथ टाइम जोड़ दीजिए, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल के साथ हैव बीन, इसे मैंने अलग कर दिया है क्योंकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अलग हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। प्लस मेन वर्ब के रूप में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और सिंस या फार के साथ समय लगा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग अलग टेंस की अलग अलग चार्ट अब आप सबके सामने आ चुकी है। आप पूरे टेंस को एक चार्ट में देख सकते हैं और पूरे टेंस के रूल को एक जगह एक रूल में देख सकते हैं, और इसे आप अपने चार्ट को अपने रूम में, स्टडी रूम में, अपने बुक में बनाकर रखे रहें, अपने नोटबुक में रखे रहें, जब भी इसकी जरूरत हो तो आप इसे खोल कर देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टेंस चार्ट, पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा और आप सभी अच्छे से अब टेंस को समझ पाए होंगे। अब आप टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन या टेंस से संबंधित होने वाले कोई भी ग्रामर के जो है क्वेश्चंस आप सबको हल कर पाएंगे। आप सभी अपनी अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।